चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गार्नियर का लाइट कंप्लीट शीट मास्क, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये हमारी स्किन को वन टोन ब्राइटर करता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये इसमें है लेमन। आप सब जानते हैं कि शीट मास्क यूज करना हमारी स्किन के लिए कितना ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिट्स है शीट मास्क यूज करने के। हमको इंस्टेंट ग्लो मिलता है शीट मास्क यूज करने से क्योंकि इसमें इतना सारा सीरम होता है जो हमारे वन वीक अगर हम सीरम अप्लाई करते हैं उतना सीरम इस एक वन मास्क शीट मास्क में अवेलेबल होता है। और ये शीट मास्क को आपको 15 मिनट रखना होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा जब ये ड्राई हो एटलीस्ट 20-25 मिनट आप इसको रखिए, क्योंकि आप सीरम में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसे वेस्ट मत कीजिए। आप इसको 25 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखिए और इसमें जो सीरम बच जाता है आप उसको किसी कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और नाइट में आप अप्लाई कर सकते हैं उसे और फुल नाइट आप छोड़ सकते हैं और फिर सुबह आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अपनी स्किन पे ग्लो मिलेगा। ये वन टोन लाइटर करता है, आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है। और ये शीट मास्क हमें मिलता है 99 रुपीज में और आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको ऑफर में और भी कम पड़ सकता है। ये गार्नियर का शीट मास्क है, इसमें तीन चार और मतलब अलग अलग फ्लेवर वाले अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के और भी अवेलेबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे लेमन वाले यूज कर रही हूँ, लेमन वाला क्योंकि बहुत ही अच्छा है। लेमन में होता है विटामिन सी जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। शीट मास्क में है विटामिन सी एंड मिल्की एसेंस जो हमारी स्किन को ब्राइटर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। और इसे यूज करने के बाद आप जब भी मेकअप करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से मेकअप स्टिक करेगा और अंदर से ग्लो आएगा आपकी स्किन पे। सो गाइस चलिए इसे ट्राई करते हैं और लगा के देखते हैं कि ये कैसा इंस्टेंट ग्लो देता है या नहीं स्किन पे, सो इसका रिजल्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस जो शीट मास्क का पैक था उसे मैंने कट करके शीट मास्क को निकाल लिया है और इसे मैं अब फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो शीट मास्क को थोड़ा फेस पे अच्छे से मतलब लगाना अपने फेस के हिसाब से बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ये शीट मास्क के जो आईज हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो और भी थोड़ा दिक्कत हुआ कि मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे अप्लाई करूँ। सो गाइस ये डबल शीट मास्क है, इसका जो फर्स्ट लेयर है ऊपर में जो लाइट ब्लू कलर का है स्काई ब्लू कलर का उसे आपको रिमूव करना है और जो वाइट शीट मास्क है उसको आपके फेस पे लगे रहने देना है 15 मिनट्स के लिए। आप थोड़े ज़्यादा देर के लिए भी लगे रहने दे सकते हैं। तो इसे मैंने अपने फेस के हिसाब से फिक्स तो कर लिया था कैसे भी, फिर उसके बाद जो इसका ब्लू लेयर था उसे रिमूव करना था और रिमूव करने के बाद जो मेरा जो मेन शीट मास्क था वाइट वाला वो भी रिमूव हो जा रहा था। सो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात थी कि ये भी रिमूव हो जा रहा था। और एक मिल्की एसेंस है तो इसमें जो आपका सीरम है वो मिल्की जैसा है वाइटिश कलर का, जैसे कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र होता है उस टाइप का ये सीरम है। तो इसे अप्लाई करना थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है स्लिप हो जा रहा था बार बार फेस से, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इसलिए अपने फेस पे थोड़ा अच्छे से स्टिक करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था मेरे को। बाय द वे ये ठीक हो गया था और जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा तब ठीक हो गया था बिल्कुल ही, तब कोई दिक्कत नहीं हुई और ये अच्छे से फिर था। बट इसकी आईज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा छोटी लगी, थोड़े से बिग होने चाहिए आईज़ क्योंकि आईज़ के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। सो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं शीट मास्क को। बाय द वे ये शीट मास्क बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जब इसका रिजल्ट मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मेरे फेस पे। और इसे यूज़ करने के बाद मतलब ये वन टाइम यूज़ करना होता है तो थोड़ा सा ये कॉस्टली हो जाता है, बट आपको अगर इंस्टेंट ग्लो चाहिए वन टू शेड आपको लाइटर चाहिए अपनी स्किन ब्राइटर चाहिए तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तभी आपके लिए मतलब इफ़ेक्टिव होगा, नहीं तो आपको थोड़ा ये कॉस्टली लगेगा क्योंकि वन टाइम ही यूज़ करना होता है इसे।
बट गाइस आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करें और आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, तब ये शीट मास्क आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि आपको ये बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स में आपको बहुत ही अच्छा ग्लो दे देता है स्किन पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो शीट मास्क का पैक है उसमें अगर सीरम बचा हुआ है तो आप ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस मैंने 25 मिनट के लिए शीट मास्क को अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था और मेरे फेस पे अच्छे से स्टिक भी कर लिया था। सो उसके बाद मैं अपने फेस से जो शीट मास्क है उसको रिमूव कर दूंगी, और रिमूव करने के बाद मेरे जो स्किन पे ग्लो था वो बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला इसके। सो गाइस जो एक्स्ट्रा सीरम है आपके फेस पे चाहे तो आप उसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं और ऐसे ही छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा सीरम है आपके फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। या तो फिर इसके बाद अगर आपको मेकअप करना है या फिर कुछ और अप्लाई करना है अपने फेस पे, तो आप इसे टिश्यू पेपर या तो फिर आप कॉटन पैड के हेल्प से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी मेकअप करना है आप वो कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वन टाइम एटलीस्ट इसे यूज़ कीजिए और इसका रिजल्ट आप देखिए। और गाइस मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।